आप अगर पहली बात फिट किसको कहते हैं, जरा सा कुछ सेकंड उसके बारे में बताता हूँ। जब हम किसी आदमी, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग के लिए कहते हैं कि ये फिट हैं, फिट का मतलब होता है उस उम्र के लिहाज से उनकी हेल्थ ठीक है। हेल्थ किसको कहते हो, जिससे पहले कहते थे ना हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, कि आपकी शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरे को बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरे जोड़ों में दर्द नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। हेल्थ का मतलब होता है मैं मन से खुश हूँ, तन से खुश हूँ, और जो इस उम्र के लायक मेरे से आशा है, मेरे से काम करने की क्षमता है, वो ठीक ठाक चल रही है। फैट का मतलब होता है कि किसी को वजन नॉर्मल से ज़्यादा हो। नॉर्मल क्या है? एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज के मापदंड है, टेबल होता है कि भाई 60 साल का आदमी है तो उसका अगर हाइट इतना है, 5'6" है, तो उनकी वजन 52 किलो 55 किलो होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल टेबल अलग होता है। उम्र में वजन क्यों बढ़ता है? नंबर वन, हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो हम काम कम करते हैं, एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाती है, एक्सरसाइज कम करते हैं, और भोजन पदार्थ सामग्री हम उतना ही खाते रहते हैं। और एक और कारण होता है जिसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि कोई मनुष्य अगर पूरे दिन 24 घंटे सीधा चारपाई पे लेटा हुआ है और कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसकी बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए। दिमाग काम करेगा, हार्ट काम करेगा, किडनी काम करेगा, तो बॉडी जीवित रहने के लिए कितनी बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी चाहिए। सपोज वो फिर सवेरे से शाम तक ऑफिस जाएगा तो उसको एनर्जी 200-300 कैलोरी ज़्यादा चाहिए। अगर वो साइकिल चला के जाएगा तो और 100-200 कैलोरी ज़्यादा चाहिए। अगर वो सवेरे शाम दौड़ने जाएगा तो और 200-200 कैलोरी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कितना ईंधन उसकी बॉडी को चाहिए उस दिन की दिनचर्या, उस दिन की एक्टिविटीज़ करने के लिए, है ना। अब वेट कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप रोज़ की अगर आधी रोटी ज़्यादा खाओगे तो 50 कैलोरी ज़्यादा जाएगी, रोज़ की आधी रोटी कम खाओगे तो 50 कैलोरी कम जाएगी, रोज़ आप आधा किलोमीटर वॉक करोगे तो 35 कैलोरी एक्सपेंड हो जाएगी, रोज़ आप 1 किलोमीटर वॉक करोगे 70 कैलोरी स्पेंड हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे आप अब एक्टिव बढ़ाओ। एक बात याद रखिए, आपकी वेट में 80% रोल आपके इनपुट का है, इनटेक का है, कितना घी, कितना मक्खन, कितना रोटी, कितना चावल, कितना क्या खाया, और 20% रोल एक्सरसाइज का है। ज्वाइन कर लिया उससे नहीं होगा, आपको थोड़ा रोटी चावल आलू मीठा भी तो कम करना पड़ेगा। मात्र जिम ज्वाइन करने से क्या होगा? अच्छा, फिर एक्सरसाइज की एक गलत धारणा है कि हम जब जिम में जाते हैं तो वो जिम के ट्रेनर कहते हैं भैया जिम का प्रोटीन खा। जिम का प्रोटीन तो उसको खाना है जिसने बहुत भयंकर जिम करना है, जिसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम पड़ जाएगी। हमारे रोज़मर्रा के खाने में प्रोटीन किस चीज़ में होता है? दाल में होता है, राजमा में होता है, चना में होता है, पनीर में होता है, सोयाबीन में होता है ना। कुछ चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपका नेचुरल प्रोटीन से आपकी बॉडी का प्रोटीन मेकओवर मेकअप नहीं होगा तो अब आप प्रोटीन शेक पी रहे हो। मैंने देखा है बच्चे जिम से बाहर आते हैं और वो सामने बैठ के ना सारे आराम बैठ के बड़ा बड़ा गिलास गन्ने का जूस, बड़े बड़े गिलास केले का शेक, उसको स्वाद बनाने के लिए जूस वाला ढेर सारे उसमें चीनी भी डाल देता है, कुछ शुगर सिरप डाल देता है। तो आपका बॉडी तो बन रहा है प्रोटीन से, लेकिन आप पतले तो नहीं होंगे ना, क्योंकि एनर्जी लेवल तो आपका बन ही रहा है ना। टोटल इनटेक ऑफ कैलोरीज, अच्छा आप सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबके पास इंटरनेट है, आप पढ़ो ना कि कैलोरी कितनी होती है एक रोटी में। आप क्यों नहीं पढ़ते कि एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी होती है, दो समोसे में कितनी कैलोरी होती है। सपोज आज आपने रात को दो समोसे खाए तो आप एक रोटी या दो रोटी कम खा लो ना। फिर खाने में जब आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हो तो थोड़ा सा बैलेंस का भी ध्यान रखो कि भाई विटामिन होनी चाहिए, तो फल सलाद सब्जी खाओ। आप अगर सब्जी फल सलाद खाओगे और रोटी चावल कम खाओगे तो विटामिन भी आ गई, बैलेंस्ड फूड भी हो गया, कैलोरी इनटेक भी कम हो गई, उसके साथ साथ
एक्सरसाइज करिए, चाहे आप वॉकिंग करिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप बैडमिंटन खेलिए, तो ऐसा गेम खेलो जिसमें निरंतर मूवमेंट है। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हाँ ऐसा गेम खेलिए। हाँ, या फिर आप जिम में जाइए तो ट्रेडमिल करिए। देखो एक्सरसाइज जब जिम में करते हैं तो उसके तीन फायदे हैं। एक फायदा है हार्ट रेट बढ़ गई तो थोड़ा सा कार्डियक वर्कआउट हो गया, हार्ट का वर्कआउट, थोड़ा सा कैलोरी खत्म हो गई तो हमारी वजन कम हो जाएगी। जो आपने जिम में जो एक्सरसाइज करी उससे वो वाले मसल्स बनेंगे, वो कहते हैं ना कंधे का बना ले, डोले बना ले, बाइसेप बना ले, ट्राइसेप बना ले, है एब्डोमिनल क्रंचेस करे, थोड़ी सी पेट अंदर चली गई। लेकिन मेन चीज, जब कोई आदमी मोटा होता है तो उसके अंदर चर्बी होती है जिसको हम फैट कहते हैं। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बॉडी की फैट कंटेंट तो कम करनी पड़ेगी ना, और फैट कंटेंट तो तभी कम होगी जब आपकी एक्सपेंडिचर इज मोर देन द कैलोरी इनटेक। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे है आपका वजन कम नहीं होगा। लोग ना वजन कम करने के इसमें और टेंशन में आ जाते हैं, फिर कोई दवाई खानी शुरू करते हैं। गलत बात, दवाई मत खाओ, एक रोटी कम खा लो, उसके बदले में खीरा एक्स्ट्रा खा लो, राजमा चना बना है एक कटोरी राजमा खा लो, बाकी थोड़ी सी लौकी की सब्जी खा लो, है थोड़ी सी दाल पी लो, पतली सी दाल पी लो बिना घी डाले। धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करो, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट मतलब अपनी बॉडी, अपनी एज, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के मुताबिक ही आपको एक्सर्शन करना है। और फैट टू फिट रखने का और कोई मंत्र नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा जवान पे स्वाद पे काबू करना पड़ता है, है ना। खाओ, कभी 6 गोलगप्पे खा लिए तो कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि मैंने तो 6 गोलगप्पे खा लिए, ओहो आज तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार ही 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली स्वाद में तो खा ली, लेकिन ये नहीं कहा मैंने परसों खाया तो रोज ही खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फेल हो गया, ऐसे नहीं होता। फिर जो आप प्रणाली कर रहे हो, मीठा काम, एक्सरसाइज ज़्यादा, कई महीने कई साल तक करनी पड़ती है, आपको लाइफ चेंज करनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ढील करोगे दोबारा से वजन बढ़ जाएगा। मैंने एक साल में 28 किलो वजन अपना कम करा था, लेकिन अब कई महीने से मैंने अपने वजन को कांस्टेंट रखा हुआ है। वजन को कांस्टेंट रखने के लिए बहुत प्रायश्चित, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से आपकी वजन कंट्रोल में आ सकती है। जरा जरा सा काम करना है, जरा जरा सी मेहनत करनी है। माता जी आपकी पराठे खिला रही हैं, चिल्ला खिला रही हैं, मम्मी को एक नॉन स्टिक तवा खरीद के दे दो, मम्मी को बोलो मम्मी मेरा चिल्ला मेरा पराठा ना कम घी तेल में बनाना नॉन स्टिक पे, तो क्या हो गया, आपने अगर जैसे ही आपने 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच घी कम करा, 100 कैलोरी कम हो गई। अब सोच लो 2 चम्मच घी खाएगा तो 100 कैलोरी कम हो गई, या फिर 100 कैलोरी कम करने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है 100 कैलोरी कम करने के लिए। एक रोटी, एक ब्रेड का स्लाइस कच्चा, इन सब में 150-150 कैलोरी होती है। तो 150 कैलोरी कम करने के लिए या तो 1.5-2 किलोमीटर चलोगे या उतना कम खाओगे, बात बराबर है। अब मैं तो घूम के आया ना, अब मेरे को तो भूख तो लगेगी ना, तो मैं ये खाऊंगा, गलत बात, तो सारे घूमने का तो बेकार हो गया ना, है ना। इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा तो मन में कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब आपकी बॉडी में आपको धीरे धीरे चेंज दिखेगा, एक महीना में ही आपको आ जाएगा मजा, धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। मम्मी मैं तो बड़ा मजा आ रहा है मम्मी, अब मैं ना रोज 2 खीरे का सलाद खाऊंगा, रोटी और कम कर दूं, है ना, जरा सा इस तरह ध्यान दें।